मैं सुनील कुमार मैथिज्ञान भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ जीरोज की काउंटिंग कैसे करते हैं, शून्य को की संख्या की गिनती कैसे करते हैं किसी भी नंबर में। जैसे एग्जांपल के लिए हम फैक्टोरियल के बारे में आज देखेंगे, किसी भी फैक्टोरियल संख्या में कितनी जीरो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल। दोस्तों, ये इस टाइप का सिंबल को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 को हम 1 तक लिखेंगे, 5, 4, 3, 2 और 1। ऐसे 5 को हम रिवर्स करेंगे, 5, 4, 3 घटते क्रम में लिखेंगे और गुणा करके, तो उसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 5 अधिकतम है तो 5 को 5, 4, 3, 2 ऐसे लिखते हैं। अब इनको गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 5 और 20, 20 + 60, 60 × 120। इस प्रकार हमें 120 मिल जाता है। और तो 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाती है, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ है 1। तो इस प्रकार हमें कोई बड़ी संख्या दी रहेगी फैक्टोरियल की, तो उसमें हम जीरो की संख्या निकालेंगे कितनी है जीरो। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल था, छोटा था, इसलिए हमने निकाल लिया 1 जीरो है। अब और देखते हैं, अब ऐसे ही अगर 10 फैक्टोरियल होता है, 10 फैक्टोरियल, तो हम क्या लिखेंगे उसको, 10 × 9 × 8 × 7 × 3 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस प्रकार हम लिख लेते हैं। और इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए अब हम ट्रिक से, इतना बड़ा कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो ट्रिक क्या है हम देखते हैं। तो पहले 10 फैक्टोरियल में निकाल के देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन करते हैं वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल करते हैं, यहाँ लिखते हैं 10। अब 10 में हर बार हम 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग दिया 10 में, तो कितनी बार गए, 2 बार। जब तक भाग देना है जब तक 5 से कम ना आ जाए, तो 2 आ गया, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारी कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ जीरोज हमारी कितनी हो गई, 2। अब इसी प्रकार अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये तो एग्जांपल नंबर 1 था, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। हमें निकालना है 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती है, 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज होती है। तो उसके लिए हम ऐसे ही करेंगे, वर्टिकल लाइन बनाएंगे फिर हॉरिजॉन्टल, यहाँ लिखेंगे 100। अब 100 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 20 बार। फिर 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया, 4 बार। तो हमारी ये संख्या जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो जब तक भाग देते हैं जब तक 5 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जिसमें निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 20 + 4 = 24। तो 24 जीरोज हमारी हो जाएगी। तो कितनी जीरोज रहेगी, 100 फैक्टोरियल में 24 जीरोज। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। अगर हमें 126 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, 126 फैक्टोरियल में, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, 126 को रखेंगे, फिर 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग कितनी बार गए, 5 × 10, बच गए 2, हो गए 26 × 5 = 25। अब फिर 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इस प्रकार हमें कितनी जीरो मिल जाएगी, इन सभी को लिख देंगे, 126 को छोड़ के इन सभी को लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 + 5 + 1 = 31 जीरोज। तो हमारी जीरोज कितनी मिल जाएगी, 31 जीरोज मिल जाएगी 126 में, 126 के फैक्टोरियल में। अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। अगर हमें 500 फैक्टोरियल में निकालना है कितनी जीरोज है, तो हम ऐसे ही निकालेंगे, तो 500 को लिखते हैं, फिर 5 का भाग देते हैं, तो 5 का भाग कितनी बार गया, 100 बार। फिर 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया, 20 बार। फिर 5 का भाग देते हैं कितनी बार गया, 4 बार। और 4 आने के बाद अब ये छोटी संख्या आ गई, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारी कितनी हो जाएगी, 500 को छोड़ के हम सभी को जोड़ देते हैं, तो 100 + 20 + 4 कितनी हो जाएगी, 124 जीरोज। कितनी जीरोज हो जाएगी, 124।
एग्जाम्पल नंबर 5, अगर हमें 1000 फैक्टोरियल में जीरोज निकालना है तो 1000 फैक्टोरियल में निकालने के लिए भी हमें ऐसे करेंगे, तो 1000 लिख दिया हमने, फिर 5 का भाग देते हैं तो 5 × 10 = 200, फिर 5 का भाग देते हैं 5 × 20 और 0, फिर 5 का भाग देते हैं तो 5 × 8 = 40, फिर 5 का भाग देते हैं तो 5 × 5, इस प्रकार हमें जीरोज कितनी मिल जाती है, 200 + 40 + 8 = 249, कितनी जीरो मिल जाएगी, 249। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, अगर हमें 50 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकालनी है, 50 फैक्टोरियल में तो हम ऐसे ही रखेंगे 50 और 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 10 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 2 बार, तो हमें जीरो कितनी प्राप्त होगी, 10 + 2 कितनी, 12 जीरोज, इस प्रकार हमें 12 जीरोज प्राप्त हो जाती है। अगर हमें एग्जांपल 7, अगर हमें 90 फैक्टोरियल में जीरोज की संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 90 रखते हैं और 5 का भाग देते हैं तो 18 बार गया, फिर 5 का भाग देते हैं तो 3 बार गया, तो हमें कितनी जीरो प्राप्त हो जाएगी, 18 + 3 = 21 जीरोज। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुभ दिन।